हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चैट स्क्वाड। वी आर बैक इन अदर वीडियो। और कैसे हैं आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो टाइम हो रहा है 11:30, और गुड मॉर्निंग सबको। सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब मैं छोटी को छोड़ने गया था तब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे। जब मैं बिस्तरे से उठा था ना, तो तभी मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं उसको हुडी पहन के छोड़ के आया था। मतलब वो निकाली हुई थी मम्मा ने पहले ही, तो मैं पहन के उसे छोड़ के आया। फिर भी उसमें भी सर्दी लग रही, तो फिर अभी थोड़ा मौसम है ना, जो धूप वगैरह निकले ये सही हो गया। और पीछे जो आप ये पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं, पेंटिंग नहीं है, मतलब कि रेहान भाई ने ना पेंसिल से इसने ड्राइंग वगैरह की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इधर वाली साइड पे रेहान भाई ने बनाई हुई है। एक पिंजरा है और एक ये पिलर वगैरह, और यहाँ पे एक टैनी बनाई हुई है पिंजरा। यहाँ पे भी इसने ऐसे ही छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे एक दरख्त बनाया हुआ है, दरख्त बना के यहाँ पे पिंक बनाई हुई है ऐसे। और यहाँ पे मिस्टर जट, पता नहीं किसने लिखा है, बाकी जो भी है मिस्टर जट अच्छा लगता है। गाइस मैं ऊपर वाली छत पे आया हूँ, मैंने सोचा कि चलो यार वैसे ही ऊपर चक्कर लगा लेते हैं और विटामिन डी ले लेंगे थोड़ा सा धूप में। वैसे धूप में मज़ा आ रहा है, पहले धूप में गर्मी लगती होती थी इंतहा की, और अभी धूप में ना थोड़ी थोड़ी मतलब कि अच्छा सी अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। और जी छोटी को लेने का भी टाइम हो गया है। टाइम अभी फिलहाल तो 1:08 हुए हैं, उसको 1:20 भी छुट्टी हो रही है। तो 15 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे और 20 मिनट तक वहाँ पे, और 25-30 मिनट पे उसको लेके वापस आ जाएंगे। सो अभी फिर चलते हैं। जी मैं अभी अभी लेके आया हूँ नूर को, और एकेडमी स्कूल से आ गया है और मेरी एकेडमी का टाइम हो गया। मैं एकेडमी जा रहा हूँ और एकेडमी के बाद आके फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गाइस मैं एकेडमी से आ गया हूँ और टाइम हो रहा है 5:10, और कैन भी लाने वाली थी। मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि कैन मम्मा कह रहे थे कि कल लाऊंगी। सो अभी हम कैन लेने चलते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हमने ना पीसी ऑन किया था लेकिन चल नहीं था रहा, तो फरहान भाई ने कहा है जो इसके अंदर रैम लगी हुई है ना वो निकालो, और उसे रेजर से साफ करने लगा है फरहान भाई। तो रेजर से साफ करके फिर दोबारा लगाते हैं इस पे। इससे आगे नहीं जा रहा, प्लीज वेट। यहाँ पे आ गया, पहले भी जलाया था लेकिन इधर ही अटका रहा है। हेलो जी, अभी गुड मॉर्निंग, अभी नेक्स्ट डे हो गया। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30। मैंने पहले वीडियो बनानी थी लेकिन पापा चले गए थे, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। अब पापा जी आ गए हैं तो मैंने फ़ोन ले लिया उनसे। तो अभी ना पापा के फ़ोन में ना दो पुरानी टिकटॉक हैं, मेरी और नूर दीदी की दो हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बड़ी फनी सी हैं, आप देख के बताने की कैसी लगी है। अरे बंदा गया, गोली मार गोली मार गोली मार, गोली खत्म होगी, अरे गाली दे दे। हिजरात ही, ओ हिजरात नहीं हो, एक जरूरी चलान सुनिए। ओ किसे वार्डन दे बचे आ, चलान नहीं अलान। तुसी मैनू वोट दियो ना दियो, पुराने कपड़े जरूर देने। गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी थी ना। इसके अलावा अभी मेरे पास और वीडियो है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना इस पे अलग एक वीडियो बनाएंगे। सो अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं था, इसलिए मैंने एक दो वीडियो दिखा दिया। और इसके अलावा काफ़ी सारी हैं मेरे पास टिकट्स वगैरह जो पुरानी पड़ी हुई हैं, वो मैं दिखाऊंगा, और चाइल्डहुड की फोटोज़ भी दिखाऊंगा अपने चारों भाइयों की और दीदी की भी, सबकी मेरे पास अभी हमारे पास पड़ी हुई हैं। फिलहाल एल्बम में भी हैं और कई मोबाइल में भी है, टिकटॉक में भी अपलोड हैं, बहुत पुरानी, तो वहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं उस पर बनाऊँगा पूरी। सो फिलहाल गाइज मैंने ना रिंग लाइट निकाली है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास रिंग लाइट थी, मैंने वीडियो भी बनाई है उस पर, और हमारे पास पड़ी हुई है काफ़ी देर की। मुझे पता नहीं है अब ख़राब है कि नहीं, काफ़ी गंदी हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाली चीज़ जो है ना वो भी उतर गई है, और बाकी काफ़ी गंदी है। मैं इसे भी चला के देखता हूँ चलती है कि नहीं। मुझे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो, ये देखें कितनी गंदी हालत हुई है इसकी। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ। मैंने स्विच लगा दिया लेकिन ना चल नहीं रही, यहाँ से लाइट चल जाती होती है वो नहीं चली अभी, फोकस हो गए। हाँ ये देखो ऑन ऑफ का बटन है ना, तो इससे मैंने ऑन किया लेकिन हो ही नहीं है। मुझे लगता है इसके कोई तार में मसला है इसी वजह से ना। जी जी मुबारक हो, चल पड़ी है, लेकिन इसकी आधी लाइट्स चल रही हैं आधी नहीं चल रही। मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके, ये देखें
इसकी एक लाइट चल रही है, ये देखिए एक लाइट चल रही है, एक नहीं चल रही, और अभी यही इसमें फॉल्ट आया। अभी चलो जो भी है बेहतर है, पर लेकिन इसका ना ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो उतर गया। ये लगा होता ना तो बेस्ट होना था ऐसे भी, लेकिन रोशनी के लिए ठीक है, लेकिन अभी इतना मज़ा नहीं आ रहा। इसकी चेंज करके देखते हैं लाइट, ये देखो कभी बंद हो जाती है कभी पता नहीं आ रही है, इस पे ही अटकी हुई है। वैसे इसकी ब्राइटनेस तो अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसकी लाइट अकेली की मैंने इसे बंद करके चलाया, तो इसमें खास नहीं है क्योंकि इसकी हाफ लाइट्स चल रही हैं, हाफ नहीं चल रही इसी वजह से। तो मैं इसे चेक करवाऊँगा, इसे सही करवाते हैं। मेरा ख्याल है इसकी जो लाइट है ना अंदर वाली वो ही न्यू डलेगी, क्योंकि आधी बंद होगी आधी चल रही है। और इसके अलावा इसका जो स्विच है ना उसका, तो उसे भी सही करवाना पड़ेगा। देखते हैं फिर क्या करना है इसे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए ना मैंने करके इसे अटका दिया है इसको ऊपर वाली चीज़ को, लेकिन इसकी आधी लाइटें चल रही हैं आधी नहीं चल रही। तो फिर इसे अभी देखते हैं करना, अभी इसे फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं।